आपको कुछ नहीं बता रही थी माँ, क्योंकि सत्य ये है कि कृष्ण के अतिरिक्त मैं अपने जीवन में किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ राधा, किंतु तुम्हारे बाबा आप कृष्ण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती माँ इस समस्या का हल क्या होगा, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि आप सब संभाल लोगे। मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ माँ, और केवल आप ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। क्या कृष्ण, क्या है ये? होने वाली दुल्हन को लाने के लिए ऐसी उदास, ऐसी रोती हुई सूरत लेकर जाओगे? अरे तनिक मुस्कुराओ कृष्ण। वैसे मुस्कुराना तो कठिन अवश्य होगा। तुमने कहा था कि इस संसार के बालपन से तुम राधा से प्रेम करते हो, कि तू राधा का विवाह तो किसी और से हो रहा है, तो अब ना तुम्हारी ये सृष्टि बचेगी और ना ही तुम्हारा प्रेम। सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। वैसे आपके अनुसार आप भी राधा से बालपन से प्रेम करते होंगे, उसका विवाह होने जा रहा है, आपको किस बात की प्रसन्नता? क्योंकि वो तुमसे छिन रही है, जानते हो मैंने अपनी राधा से जीवन भर में जितना प्रेम किया है उससे कहीं अधिक घृणा मैं तुमसे पिछले कुछ ही माहों में करने लगा हूं। तुम्हारा ये दुख कितना सुख देता है मुझे मैं बता नहीं सकता कृष्ण, और इसीलिए प्रसन्नता है मुझे। जिसके पास जो होता है वही उसे आनंद देता है। आपके हृदय में राधा के लिए कभी प्रेम था ही नहीं, आपके हृदय में थी घृणा, और वही घृणा आज दिख रही है। तुम चाहे जो भी कह लो कृष्ण, किंतु राधा यदि मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं होगी, और इसी बात की संतुष्टि है मुझे। अब राधा किसकी होगी ये केवल उसी का चुनाव होगा, किसी और का नहीं। माँ, क्या मैंने उससे प्रेम करके अनुचित किया? नहीं, जानती हो जब मैंने पहली बार तुम्हें और कान्हा को देखा था तो मेरे मन में भी यही विचार आया था कि राधा और कृष्ण को तो साथ होना चाहिए, किंतु उस समय कृष्ण के सर पर कंस का संकट मंडरा रहा था। किंतु माँ, अब तो ऐसा कोई संकट नहीं है ना? नहीं, पर अब तो तू कृष्ण से प्रेम भी करती है ना? हाँ माँ, कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम करती हूँ। प्रेम संबंध दोनों ओर से होने चाहिए। तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, किंतु क्या कृष्ण भी तुमसे प्रेम करता है? हाँ काकी, मैं राधा से प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, सृष्टि के बालपन से प्रेम करता हूँ। हाँ माँ,
कृष्ण भी मुझसे प्रेम करता है, मुझे मेरे भाई से मुक्त किया है उसने। कितनी बार रक्षा की है उसने मेरी, जानते हो ये पुष्प लाने के लिए वो उस दुर्गम पर्वत तक चढ़ गया था केवल मेरे लिए। और ये शालिग्राम कृष्ण का सबसे प्रिय और दुर्लभ पत्थर, स्वयं अपने हाथों से इसका कड़ा बनाकर मुझे भेंट के रूप में दिया, ताकि संकट के समय मुझे इस पवित्र शालिग्राम से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त। बड़े भैया, आप स्वयं को शास्त्र के ज्ञाता मानते हैं, समझते ही होंगे। द्विषत्व ना प्रेमम सत्रजी, विजय कभी भी इस घृणा की नहीं होती, विजय सदा केवल प्रेम की होती है। बड़े भैया, किंतु राधा, क्या कृष्ण ने तुम्हें कभी स्वयं कहा कि वो तुमसे प्रेम करता है? नहीं, स्वयं तो नहीं कहा, किंतु वो नहीं। राधा, ये सब कुछ जो कान्हा ने तुम्हारे लिए किया है वो एक शुभचिंतक के नाते भी तो हो सकता है, और ये उपहार एक मित्र के नाते भी तो हो सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा राधा कि कृष्ण तुम्हें वास्तव में प्रेम करता है या केवल एक मित्र है। इस एक बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है राधा। ये चुनाव सावधानी से भरा होना चाहिए राधा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। यदि कृष्ण कह दे कि वो तुझसे प्रेम करता है तो मैं स्वयं तेरे बाबा से बात करूंगी राधा। तुम दोनों के विवाह के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। प्रेम तो कृष्ण मुझसे करता ही है, बस व्यक्त करने की देरी है। देरी? शुभ काम में देरी क्यों? चलो अभी जाके बता देता हूँ। क्यों बड़े भैया? राधा, राधा कहाँ हो? अरे कृष्ण, 100 वर्ष जियोगे पुत्र, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना राधा? मेरी बातें हो रही थी? अच्छा, क्या बातें हो रही थी, बता बता। कृष्ण, वो मैं माँ से, हम मतलब तुम। राधा, कीर्तिदा काकी। क्या हुआ आयन? आपको वृषभान काका नीचे बुला रहे। चलो राधा, शीघ्र चलिए काकी, आइए। राधा, तुम कृष्ण से बात करो, मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि बात क्या है। चलो आयन।